सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक बड़ी अपडेट मैं लेके आया हूं, इसके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये अपडेट है राजस्थान सरकार की ओर से, जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो 8,889 मतलब आप देख सकते हैं संविदा पदों पर होगी भर्ती परीक्षा। इस भर्ती परीक्षा में दोस्तों ऑल पैरामेडिकल की वैकेंसी है, जिसमें हम एक एक के पद बताएंगे कि कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अच्छी खबरें हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये बड़ी अपडेट है, शुरू करते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन में 8,889 पदों पर संविदा पर होगी भर्ती, पूरी जानकारी मिलेगी। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संविदा पर 8,889 पदों पर भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें आयुष जो एमओ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, नर्स ग्रेड सेकंड है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, पब्लिक हेल्थ नर्स है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है, ANM है, काउंसलर है, जिला कंसल्टेंट है और आदि पद पर शामिल है। NHM ने भर्ती परीक्षा के लिए IIM उदयपुर से लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। विशेष शासन सचिव एवं मिशन निदेशक NHM ने IIM उदयपुर को संविदा पर की जाने वाली भर्ती पदों की संख्या का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। दोस्तों, फाइनली इसका जो प्रस्ताव है वो बनाकर भेज दिया है। अब भर्ती है वो जल्द आने वाली, कब तक देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, CHO के 3,531 पद है और ANM के 2,058 पद है। अब पद नाम और कितनी संख्या है वो हम एक बार इसमें देख लेते हैं। CHO की हम बात करें तो 3,531 पोस्ट है, MO की बात करें तो 228 पोस्ट है, ANM की 2,058, आयुष कंपाउंडर की 155, नर्स ग्रेड सेकंड की 1,490 पोस्ट है और फार्मासिस्ट की 346 और पब्लिक हेल्थ नर्स की 15, लैब टेक्नीशियन की 282। अब यहाँ पर बहुत सारी पदनाम दोस्तों आप देख सकते हैं, अलग अलग काउंसलर की है। अपनी जो मेन हम बात करें पैरामेडिकल की, तो वो यहाँ पर सारी पोस्टें इंक्लूड की गई हैं। दोस्तों, अब ये वैकेंसी कब तक आएगी, सबसे बड़ा आपका जो क्वेश्चन है वो यही था कि जब बार बार इसमें न्यूज़पेपर और इसमें पहले नोटिफिकेशन भी एक जारी हुआ था कि यहाँ पर NHM के थ्रू संविदा पर पदों पर होगी भर्ती, तो उसमें भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि कब तक होगा। तो ये जो है, जो फॉर्म है दोस्तों, इसके लगभग इसके जो है, जहाँ तक हम बता सकते हैं, वो सितंबर से इसके इस फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वेव का भी आने का चांसेज है। तो सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा किया जाए। तो CHO की भी नई भर्ती आने वाली हैं, तो सब लोगों को यदि आप वेटिंग कर रहे हैं तो जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी ज़रूर हो सकती है सितंबर नहीं तो अक्टूबर आ जाएगी, पर वैकेंसी अब फिलहाल इसी एक दो महीनों के अंदर अंदर आने के पूरे चांसेस है। दोस्तों, ये थी खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर की। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।